नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। ब्लैक व्हाइट और येलो फंगस के बाद अब ग्रीन फंगस का केस भी सामने आ गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि इंदौर में अब ग्रीन फंगस का मरीज मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि ये देश में ऐसा पहला केस है। मरीज को तुरंत एयरलिफ्ट कर मुंबई में भेज दिया गया है। भारत में कोरोना के तांडव के बाद अब मरीजों में फंगस का हमला कर रहा है। ब्लैक व्हाइट और येलो फंगस के बाद देश में पहला ग्रीन फंगस का केस सामने आया। इंदौर के अरविंद अस्पताल में भर्ती कोरोना के एक मरीज में ग्रीन फंगस हो गया। उसे इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल भेजा गया। ब्लैक फंगस के बाद इंदौर में ग्रीन फंगस से ग्रसित मरीज की पुष्टि की गई। मणिकबाग इलाके में रहने वाला 34 साल का मरीज कोरोना से संक्रमित था। उसके फेफड़ों में 90% संक्रमण हो चुका है। 2 माह तक चले इलाज के बाद मरीज की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई थी। बता दें कि 10 दिन बाद मरीज की हालत फिर से बिगड़ने लगी। उसके दाएं फेफड़े में मवाद भर गया था। फेफड़े और साइनस में एस्फलीफ फंगस हो गया था, जिसे उसके बाद अब ग्रीन फंगस का लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।